हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एनकोडिंग डिकोडिंग टेक्निक। इट्स टोटली सिमिलर टू एनकोडर डिकोडर जो हम पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो एनकोडिंग डिकोडिंग है जो, ये आती है बिट लेवल इनक्रिप्शन में, और जो बिट लेवल इनक्रिप्शन है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। तो प्राइवेट की जो क्रिप्टोग्राफी है वो, उसमें उसका मीनिंग क्या है कि सेम की, सेम सीक्रेट की will be shared among sender and receiver। इसका मीनिंग क्या है कि मान लीजिए की है आबरा का डाबरा, सिंपल मान लीजिए, तो यही की सेंडर को भी पता है कि आबरा का डाबरा बोलना है, यही की रिसीवर को भी पता है कि आबरा का डाबरा बोलना है। सेंडर क्या करेगा, आबरा का डाबरा बोलेगा टू एनक्रिप्ट समथिंग, रिसीवर क्या है, आबरा का डाबरा बोलेगा फॉर डिक्रिप्टिंग, राइट। सो ये मेथड है, ये तो होता है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। और बिट लेवल एनकोडिंग क्या होता है, वैसे तो दो तरह की एनकोडिंग होती है प्राइवेट की के अंदर, बिट लेवल एंड करेक्टर लेवल। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट बिट लेवल, और बिट लेवल के अंदर क्या होता है एनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सो बिट लेवल एनकोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, सिमिलर टू एनकोडर जो है वो किस पर्पज के लिए यूज होता है, मेरा सेंडर है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है, एनकोडर यूज किया और इसे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब साइफर टेक्स्ट में ट्रांसमिशन मीडिया पे चला गया तो यहां पे आ गया डिकोडर, डिकोडर ने क्या किया, डीक्रिप्ट किया। ये पर्पस एनकोडर किसके लिए था, एनक्रिप्ट करने के लिए। डिकोडर ने क्या किया, डीक्रिप्ट किया, डीक्रिप्ट करके उसे फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और ये रिसीवर के पास पहुंच। तो ये प्रोसेस है बेसिकली एनकोडर डिकोडर का, जो हम काम सिमिलर ही बिल्कुल सर्किट बनाने में करते हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मान लीजिए जो मेरा एनकोडर है ये 2-to-4-bit एनकोडर है। ओके, एनकोडर की जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है, n बिट्स से वो कितने तरह के कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता है, 2n कॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 bits हैं तो यहाँ पे मैं 4 कॉम्बिनेशंस जनरेट कर सकता हूँ, दैट इज 4, 2 raised to power 2 4 कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता हूँ। वैसे ही जो डिकोडर है वो 2n कॉम्बिनेशन से क्या जनरेट कर सकता है, n आउटपुट जनरेट कर सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं, और लिख लेता हूँ मैं, कि n अगर इनपुट्स हैं किसी डिकोडर में तो वो लॉग बेस 2n आउटपुट जनरेट कर सकता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास इनपुट्स यहाँ पे क्या आ सकती हैं, कोई भी 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो मैं उसे कितने में कन्वर्ट कर दूंगा, प्लेन टेक्स्ट में 2-bit में, ठीक है, राइट। तो 2-bit में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरा प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा, प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे भी 2-bit का ही आ जाएगा, इनपुट भी मेरी 2-bit की ही थी, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, मान लीजिए 2 bits जो मेरी एनकोडर में है, मैं एनकोडर बना लेता हूँ, 2 bits मेरी आई, ठीक है, कोई भी 2 bits आप मान लीजिए, 0-1 आ गई मान लीजिए, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, ये 4 आउटपुट्स हैं। तो 0-1 से बेसिकली अगर मैं 0-0-0-1-1-0-1-1 ऐसे कोई भी 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इनपुट पे, मैंने 0-1 लिया, आउटपुट में क्या बनेगा, कोई भी 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए 0-0-0-1, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे मेरे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0-0-0-0 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अगर मैंने क्या करना है, मैंने इनपुट बनानी है इनकी, सॉरी आउटपुट बनानी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कोई भी 4 कॉम्बिनेशन फिक्स कर लिए कि मुझे यही 4 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन आउटपुट पे चाहिए, 0-0-1-0-1-0-1-0 मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन है, या इसे 0 मान लेते हैं। ये अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन हैं, आउटपुट पे कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, मान लीजिए 0-0-1-0 आ गया, ये मेरा एनकोडर ने काम किया। तो यहाँ पे जब मैं साइफर टेक्स्ट बन गया 0-0-1-0, तो 0-0-1-0 आ गया। डिकोडर ने क्या किया, यहाँ पे इनपुट ली 0-0-1-0 और आउटपुट में वो मुझे 2 bits दे देगा, और आउटपुट में वो 2 bits क्या देगा, मैंने रखा हुआ जो भी अलग वैल्यूज हैं वो ही आए, ठीक है। तो इन चारों इनपुट से मुझे पास क्या क्या मिल सकता है, मुझे बेसिकली 2 ही मिलेंगे, 0 और 1। आप कहेंगे 0-0 भी मिल सकता था, 1-0 भी मिल सकता था, 1-1 भी मिल सकता था, लेकिन हमने सेटिंग ही इस हिसाब से की हुई है कि यहाँ पे हमें डिकोडर में 0 और 1 मिले, राइट गाइस। तो यही सिस्टम है
बेसिकली आप कहेंगे कि आपने कैसे लिखा। एक्चुअली हम क्या यूज करते हैं एनकोडर डिकोडर में, सेलेक्ट लाइंस यूज करते हैं। तो जो मैंने बोला ना, हमने सेटिंग ही ऐसी की है, तो मैंने सेलेक्ट लाइंस को इनपुट ही ऐसी दी कि ये हमारे पास बने, ठीक है ना, 0010 से ये ऐसे कन्वर्ट हो। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।